मैं सबसे पहले डॉक्टर वीके सिंह यादव, जो पिछले कई वर्षों से पिछड़ा समाज स्वाभिमान पार्टी चला रहे हैं, हमें खुशी है इस बात की कि आज वो अपने सभी सहयोगी साथी और पूरे पदाधिकारियों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इनको बधाई देता हूं, डॉक्टर वीके सिंह जी को, और इनका धन्यवाद भी देता हूं कि इस लड़ाई के समय पर आप हम समाजवादी पार्टी के सहयोग करने के लिए आए हैं। कैपा भी पहनवा दें, अध्यक्ष जी आप कैप पहना दो। वहीं मैं तमाम अपने छात्र संघ के जितने भी पदाधिकारी जीते हैं, समय समय पर आपके बीच उन छात्र संघ के पदाधिकारियों की मुलाकात भी हुई है, आपसे परिचय भी हुआ है, हमने पार्टी में भी शामिल किया है। चुनाव से पहले ये तमाम नौजवान जो समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं, अभी केवल पदाधिकारी हैं छात्र संघ के, मैं इनको बधाई देता हूं, इनका स्वागत करता हूं, और हमें उम्मीद है कि जो समाजवादी पार्टी के सिद्धांत और कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को, नीतियों को, उन फैसलों को जनता तक ले जाने का काम करेंगे। इन तमाम पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, क्योंकि बहुत कम उम्र के लोग हैं। मैं जब देख रहा था इनको, जब वो हाजिरी दे रहे थे अपनी, तो मुझे लग रहा था कि लगता हमारी उम्र के भी आधी उम्र के ये लोग हैं। इसका मतलब ये है कि नई पीढ़ी और नई फौज पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी में तैयार होती चली जा रही है। और जैसा कि पहले लोग बोलते थे कि समाजवादी पार्टी नेताओं को और नेता बनाने का कारखाना है, तो हमें खुशी है इस बात की कि उसी परंपरा को समाजवादी पार्टी और आगे बढ़ा रही है। इन नौजवानों को जोड़ना, नई बातों को लेकर के आना, नया भारत कैसे बनेगा, नया भारत बनाने का काम ये नए नौजवान, कम उम्र के नौजवान ही करेंगे, जो सपने देख सकते हैं, जो संघर्ष कर सकते हैं, जो रास्ते पे चल सकते हैं। इसलिए हमें खुशी है इस बात की कि बड़ी संख्या में नौजवान समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और मुझे गर्व है इस बात का कि सबसे शानदार, सबसे अच्छा अगर युवाओं का संगठन या युवाओं की कहीं भी भागीदारी है तो वो समाजवादी पार्टी में है। इसलिए मैं सभी पदाधिकारियों से कहूंगा, एक एक करके आए, बाकियों से बाद में मिलूंगा, केवल पदाधिकारी जिनके नाम लिए गए थे, मेरा उनसे निवेदन है कि देव उनको एक एक करके बुला लो, जिससे उनकी कम से कम तस्वीर तो पीछे हो जाए खड़े होने से। खैर, इनको दिखाने के लिए हमें कुर्सी चाहिए होगी। आइए आइए, इधर आइए, बीच में इधर आइए। क्या नाम है तुम्हारा? हेलो। ओह, क्या उम्र कितनी है? नहीं, अभी सबको आ जाने दो। अब तो बोट बन गया तुम्हारा? नहीं बना बोट? बोट बना, नहीं बना है बोट? नहीं नहीं, महामंत्री तो जीत गए हो, लेकिन बोट बनाए कि नहीं बनाए? 18 साल से ऊपर वाला बोट बनना था। ये लगता पढ़ाई में ज्यादा व्यस्त हैं। 19 साल के? नहीं नहीं, कोई मानेगा नहीं, ये सरकार नहीं मानेगी तुम 19 साल के। दुर्गा पीजी कॉलेज के अध्यक्ष अभय यादव जी और दीपक महामंत्री, जो अध्यक्ष और महामंत्री हैं वो लोग जल्दी आ जाएं। इस सत्र में जीते हुए अपने डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष और महामंत्री रविंद्र जी, गीता पीजी कॉलेज और पंकज कुमार महामंत्री जी जल्दी आए, मनीष कुमार गौतम निर्वेद जो अध्यक्ष हैं जीते, और गौरव कुमार और आशीष महामंत्री, शिवम सिंह पीजी कॉलेज गाजीपुर, और नाम आपको भी याद है, शिवम सिंह महामंत्री पीजी कॉलेज, कई लोग हैं।
जिसको बुलाया सिर्फ वही आएगा पदाधिकारी, अध्यक्ष और महामंत्री। कन्हैया लाल बसंत लाल इसका उत्तर महाविद्यालय कहाँ? रवि रवि जल्दी खड़े हो जाइए, पीछे जल्दी खड़े हो जाओ। आपको आप क्या हो? सिर्फ अध्यक्ष और महामंत्री बस। सब बहुत दूर है। शिवपाल यादव जीडी बिनानी कॉलेज कहाँ है? श्री शिवपाल यादव जी कहाँ गए? जाने दे लड़कों का, जाने सबका जाने। अच्छा से जाओ, चलो आप लोग निकल जाओ। सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हो, अभी बात मत करो तुम लोग, अभी बात सारे बाद में। हां ये अभी तो अभी नहीं खड़े हो, सबको आ जाने दे, सबको आने दो। पदाधिकारी को पदाधिकारी यार खड़े हो, कृपया ले दो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक बेटा है, मत करो, ठीक ठीक खड़े होके तस्वीर हो जाए तो फिर दोबारा बुला लेंगे, ठीक है? हाँ भैया थोड़ा किनारे हो जाओ। मिथिलेश बस ठीक है, अभी रुक जाइए, अभी एक एक बुलाया जाएगा, आप लोग बैठ जाइए अपनी जगह पर। इज 19 हो गया, सब लोग बैठ जाइए। ही इज गोइंग टू वोट बट ही डजंट रिमेंबर व्हेदर ही इज गॉट अ वोट और नॉट। प्लीज अपनी जगह बैठिए, कम ऑन। अरे फर्स्ट कार्यक्रम के लिए आप बैठिए, ठीक अभी हम ले, अभी ठीक है बेटा, है ठीक बेटा जी, ठीक है। मैं बधाई भी देना चाहूंगा, कल एक पदयात्रा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकली थी और जिसका जिसके आयोजक राजवर्धन जी और जयवीर जी हैं, उनको भी वो भी साथी यहाँ पर उपस्थित है, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए धन्यवाद। प्रेस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सुनने में आया है कि भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, कम से कम ठोको नीति से डंके पर तो आ गए। और अगर हम आंकड़े दुनिया में देखें भूखमरी के सबसे ज़्यादा भूखे लोग जिनको कम खाना प्राप्त होता है, तो भारत देश उन गिनती में जोड़ा जाएगा। दुनिया में अगर हमारी ये गिनती हो कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार कहाँ रहते हैं, तो आपको वो आंकड़ा भी यही बताएगा कि भारत में ही सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग रह रहे हैं। अगर हम हेल्थ इंडिकेटर्स पे जाएं और उसके साथ साथ अगर हम बीमारियों के बारे में चर्चा करें, तो कई स्टडी ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमारी कहीं अगर फैल रही हैं या हैं लोगों के अंदर, वो भी भारत है। और एक आंकड़ा तो ये भी कहता है कि सबसे ज़्यादा कैंसर से पीड़ित अगर कहीं है दुनिया में, तो वो भारत में है, या आने वाले समय में सबसे ज़्यादा कैंसर होने का खतरा अगर कहीं होगा तो भारत में होगा। डायबिटीज़ के आंकड़े कई बार अखबारों में निकलते हैं, आप लोग भी लिखते हैं। इसी तरह शिक्षा का स्तर क्या है, और फिर डंका कैसे बजेगा आपका जब इन सब आंकड़ों में आप पीछे हैं। और कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता होगा कि भीड़ आदमी को मार दे, उसका भी तो डंका बज रहा होगा आपका कहीं ना कहीं। और फिर लोकतंत्र में कभी किसी राजनीतिक दल ने इतना झूठ नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र में झूठ बोला है, क्या नहीं कहा। और अब तो चुनाव आने वाला है, अब तो दिन भी कम बचे हैं, तो इसलिए अब तो जनता तय करेगी हम क्या कहें, वो लोग क्या कहें, उनका राजनीतिक शिष्टाचार क्या है, उनकी राजनीतिक भाषा क्या है, उनका राजनीतिक व्यवहार कैसा है, ये जनता ने देख लिया है 4.5 साल।
तो वो अब वो बताएंगे, अब जनता बताएगी, जनता फैसला लेगी। और कोई राजनीतिक दल ये ट्रेनिंग नहीं देता होगा कि क्या भाषा हो आपकी। जो लोग भारत की संस्कृति के बारे में दावा करते थे कि भारत की संस्कृति और उसको बढ़ाने का, प्रचार करने का हमारा ही दावा है, हम ही हैं वो दल, सोचो उस दल के लोगों की भाषा क्या है। अभी कल ही भाषा क्या थी, ये तो जमाना बहुत अच्छा है, ये डिजिटल जमाना है, एक बार जो बात बोल दी वो रिकॉर्ड पे चली जाएगी, पुराने जमाने जैसा जमाना नहीं है। उसी महिला विधायक ने कभी समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहा है, जरा गूगल पे देख लीजिए या यूट्यूब पे कभी सुन लीजिए उनका। हम समाजवादी लोग उन चीजों को निकाल करके हम भी शिकायत भेजेंगे कि देखो इनकी भाषा कैसी है। ये भाषा राजनीति में ऐसी गिर जाएगी, इसलिए जनता अब तय करेगी आने वाले समय में। बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय मायावती जी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए, कोई राजनीति में ये भाषा इस्तेमाल करेगा? ये वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आंखों के सामने अंधेरा दिखाई दे रहा है उन्हें, इसलिए क्योंकि 4.5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो काम पे तो भाषण होंगे नहीं, अगर काम किया होता तो शायद काम पे भाषण होते। इसीलिए काम न बता करके दूसरी तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा और फिर कहता हूं, अभी तो चुनाव करीब है, आने वाला है, अभी तो भाषा और बदलेगी, कुछ लोगों की भाषा और गिर जाएगी नीचे, लेकिन हमें पता है, हम समाजवादी लोग जानते हैं कि जनता तैयार है, किसान तैयार है, व्यापारी तैयार है, जिनको धोखा दिया इन सरकार के लोगों ने। किसान को कितना बड़ा धोखा, केवल आय के लिए धोखा नहीं, आय तो दिया ही दिया धोखा, उनकी बोरी में भी कम कर दिया, उनकी बोरी में भी खिलवाड़ कर दी सरकार ने। वो महिलाएं इंतजार कर रही हैं जिन्हें सिलेंडर और चूल्हा दिया गया था कि चुनाव आए तो बताएं सिलेंडर कैसे भरा जाता है। तो इसलिए इनके पास काम का तो कुछ है नहीं, इसीलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे जिससे ध्यान हटता जाए। और केवल छोटी इकाई नहीं, सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठने वालों की भी भाषा यही हो रही है। वो जानते हैं कि अब पर्दा हट गया है, जनता सब जान गई है, इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। हालांकि फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन दोनों मिला दो वही है, देखिए अभी तो वहां पर एनआरआई लोग आए हुए हैं, मैं उन एनआरआई लोगों का भी स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले कई वर्षों से इंतजार हो रहा है कि वो लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ, शायद इस बार कुंभ में स्नान लेने के बाद या कुंभ को देखने के बाद उनका मन बदलेगा और बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट होगा। हालांकि इन्वेस्टमेंट मीट तो हम लोगों ने देख ली, वो इन्वेस्टमेंट मीट पे जो मंच पे बैठते लोग हैं वो हर जगह मंच पे ही रहते हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि आप क्या इन्वेस्टमेंट कर दें, इन्वेस्टमेंट कराने के लिए कुछ नीतियां चाहिए, कुछ फैसले चाहिए, कुछ भरोसा चाहिए। अब भरोसा ठोको नीति से तो आएगा नहीं, तो इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं। मैं तो स्वागत करता हूं एनआरआई जो उत्तर प्रदेश में आए हैं, जब काशी देख लें, कुंभ भी देख लें, कुंभ में भी होकर के स्नान करके और कम से कम लौटते समय हमारे एक्सप्रेस वे पे भी निकल जाएं तो लगेगा कि कुछ अच्छा देखा है, और तब आकलन करें कि कौन काम कर रहा है, कौन जनता को धोखा दे रहा है। देखिए ये बात मुकाबले की नहीं है, कभी कभी आप सवाल में ये भी कहा करें
कि भारतीय जनता पार्टी के 40 से ज्यादा गठबंधन हैं, 40 से ज्यादा दल उन्होंने जोड़े हैं साथ। आप तो अभी 20-22 ही जोड़ पाए हो, 5-6 जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? और फिर जहां तक नेता का सवाल है, ये सवाल पूछा जाएगा। हमारा पुराना इतिहास भारत का बताता है कि नेतृत्व जनता अपने आप तय कर लेती है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोगों पे कितनी चॉइस है। लेकिन एक बात तो सच है और जनता स्वीकार कर रही है और स्वीकार करेगी, जब परिणाम आएगा तब आप देखेंगे उस बात को, कि देश नया प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है। अगर बीजेपी के पास कोई नया प्रधानमंत्री हो तो बताएं। हमारे दूरों की चिंता है कि कौन बनेगा, कैसे आएगा, कौन होगा, नेतृत्व करेगा। लेकिन आपके पास कोई नया हो तो बताइए, क्योंकि जीएसटी से सब परेशान है, व्यापारी, दुकानदार, ठेले वाले भी। आपके नोटबंदी का कोई असर नहीं दिखाई दिया। आप देख लीजिए थाने में क्या हो रहा है, कोतवाली में क्या हो रहा है, तहसील में क्या हो रहा है, विधायक जी क्या कर रहे हैं, मंत्री जी के सचिव क्या कर रहे हैं। तो वो तो अब आपके सामने है चीजें। मैं चाहूंगा साधु संतों को पेंशन कम से कम 20,000 रुपए मिलना चाहिए महीने, और साथ ही साथ वो समाजवादी पेंशन भी शुरू हो जाए, और जो यश भारती से हम सम्मान देते थे तमाम अपने प्रतिष्ठित लोगों को, सम्मानित लोगों को, 50,000 रुपया महीना वो भी मिल जाए। और सुनिए, यहीं तक बात न रुके, आप भूल जाते हो पत्रकार साथियों, समय समय पे याद दिलाना पड़ता है आपको। जो लोग रामायण करते हैं, पाठ करते हैं, या रामायण का कार्यक्रम गांव-गांव होता है, जो भगवान राम बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो लक्ष्मण बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो सीता बनती हैं उनकी भी पेंशन हो, और अगर आपके खजाने में कुछ पैसा बचे तो थोड़ा रावण को भी दे देना। इसमें क्या गलत है? और मुझे खुशी है इस बात की कि जब मैंने ये बात रखी थी उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने बड़ी स्टोरी की थी कि हम उन लोगों को पेंशन देना चाहते हैं। ये देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, कुंभ में दान किया जाता है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को वो किला दान दे दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये हमेशा कुंभ होगा, सब जाना चाहेंगे, अंदर देखना चाहेंगे सरस्वती कहाँ है नदी, या वो बट वृक्ष और वो कल्प वृक्ष और जो भी वहाँ पर है धार्मिक स्थान, उस पर भी जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार एक पुण्य का काम करे। उत्तर प्रदेश में कोई पुण्य का काम नहीं किया उन्होंने, कम से कम इस कुंभ के समय पर, अर्ध कुंभ के समय पर भारत सरकार ये अच्छा काम करे कि उत्तर प्रदेश सरकार को वो किला दान दे दे। आर्मी को अगर कहीं जगह चाहिए तो चंबल और यमुना के बीच में बहुत सारी जगह है, वहां पर बसा दिया जाए आर्मी को। देखिए, ये सवाल आप मत पूछिए, मैं महिलाओं को 2000 पेंशन, समाजवादी पेंशन जरूर दूंगा। नहीं, वो 2000 इसलिए, गरीब, अगर आप अपने कार्य में अच्छी रहेंगी तो, कई पत्रकारों को हमने यश भारती दिया है तो 50,000 महीना आपको मिलेगा, इसलिए आपको समाजवादी पार्टी की स्टोरी अच्छी लिखनी पड़ेगी। अगर आपसे आज से आप लिखना शुरू करें तो 2.5 साल में इंतजाम हो जाएगा कि अगला कोई सम्मान आपको प्राप्त होगा। और अगर ये बात नहीं आई है आपको शायद नहीं मालूम होगा, हमारे कुछ पत्रकार साथी हैं उनको ये सम्मान प्राप्त हो चुका है। किसने? मैं उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ कि वो स्वस्थ हो। उनसे देखिए, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, और हेल्थ उनकी अच्छी हो, स्वस्थ हो, यही हम कामना कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी जगह उनका इलाज चल रहा है, उससे बेहतर इलाज कहाँ दुनिया में होगा। और जो बीमारी हमने अखबार में पढ़ी है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा, एक स्टडी और एक डॉक्टर ने मुझे बताया कुछ दिन पहले कि आने वाले समय में भारत में
हो सकता है कोई परिवार न छूटे जिस परिवार में कैंसर न हो जाए। तो सोचिए अगर कैंसर बीमारी फैल गई, क्योंकि उसके कारण बहुत सारे हैं, वो डॉक्टर्स बता सकते हैं। जब सरकार समाजवादी पार्टी की थी तो मैंने आंकड़े निकलवाए थे कि आखिरकार मुख्यमंत्री कोष से सबसे ज्यादा किस बीमारी में हम मदद कर रहे हैं, तो उस समय निकला था कि कैंसर बीमारी जो है जिसमें सबसे ज्यादा सरकार को पैसा देना पड़ता है। और इसीलिए नेताजी ने एक समय पर यह कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का फैसला लिया था, वो कैंसर इंस्टीट्यूट बनकर के तैयार है। अब इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता ही नहीं है, कभी हजरतगंज का नाम बदल देते हैं, कभी भगवान का स्टेडियम का नाम बदल देते हैं। हम उनसे कहते हैं कि नाम अगर आपको रखना ही है तो कैंसर इंस्टीट्यूट का नाम रख दीजिए, बेहतरीन इंस्टीट्यूशन बनी है, कम से कम उसी बहाने वो चल जाएगी इंस्टीट्यूशन और लोगों का, गरीबों का इलाज हो जाएगा। पूरे शब्द बताइए, अकेले एक शब्द मत बताइए। जवाब मैं तभी दूंगा जब प्रधानमंत्री जी के सब शब्द आप बोलोगे, तब आधे शब्द का जवाब नहीं दूंगा मैं। अगर आप पूरे शब्द उनके इस्तेमाल करोगे तो मैं जवाब दूंगा। कि वो समाजवादी सरकार थी, उस समय समाजवादी सरकार ने फैसला लिया था, ट्रेंडरी के लोग इस बात को जानते हैं कि वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट, इफ्लुएंट प्लांट लग जाए, इस सरकार ने बंद कर दिया। शायद लगाएंगे नहीं लगाएंगे पता नहीं, लाखों लोग उस कारोबार से जुड़े हैं, उनका रोजगार छिना है। सरकार कम से कम उस रोजगार को, और क्योंकि केवल सवाल ये नहीं है कि कुछ लोग जुड़े हैं, सबसे ज़्यादा अगर कानपुर शहर में बाहर विदेश अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है तो वो भी शामिल है। वो चीज़ लेदर इंडस्ट्री को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन चुनाव है इसलिए बीजेपी के लोग कुछ और कह सकते हैं। उनको बाकायदा गंगा माँ की सफाई के लिए कुछ ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने चाहिए, वो लगाएंगे नहीं लगाएंगे वो भगवान जाने उनके बारे में। कुंभ के बारे में, कुंभ में तो त्याग करने लोग आते हैं, वो अच्छी जगह है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, जाट समाज के लोगों को बधाई देता हूँ कि अच्छा फैसला लिया उन्होंने कि बीजेपी को नहीं वोट दें, ये अच्छा फैसला उनको, मैं उनको बधाई देता हूँ इस बात के लिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने उस समय और खासकर हम लोगों ने भी इस बात पे कहा कि जनता नाराज है, सब कुछ है, लेकिन ईवीएम पे अभी भी लोगों को भरोसा नहीं है। अगर बैलेट पेपर पे ठप्पा मारने का मौका मिल जाए तो हम लोगों का गुस्सा थोड़ा निकल जाएगा। चार चुनाव उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। जिस समय कैनाना चुनाव था आपको याद होगा, हालांकि गर्मी थी उस समय, लेकिन सबसे ज्यादा गर्मी ईवीएम को, वीवीपैट को लग गई थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि मौसम ऐसा आए कि सर्दी लग जाए ज्यादा उनको, इसलिए सावधान होने की जरूरत है देश को भी और पॉलिटिकल पार्टीज को भी। तो वो क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी आज किसी अखबार में मैं पढ़ रहा था कि दुनिया के किसी हिस्से में कुछ डिस्प्ले होने जा रहा है ईवीएम को लेकर के। अब वो बातें साफ हो जाए तो उसके बाद हम लोग भी अपना पक्ष रखेंगे और इलेक्शन कमीशन को शिकायत करेंगे उस बात को लेकर के। बहुत अच्छा है। देखिए लगता है कि आपका भी दिल समाजवादी पार्टी से लग गया है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म ही नहीं कर रहे हो आप। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि खत्म हो जाए तो उन अच्छा ये बहुत दिनों बाद पूछ रहे हैं मुझसे।
देखो ऐसा है, देखिए ऐसा है, नेता देखिए वो बताए, गठबंधन हो चुका है और मुझे खुशी है इस बात की कि बहुजन समाज पार्टी की नेता और समाजवादी पार्टी ने बहुत सी सीटों पर विचार भी कर लिया है, बहुत जल्दी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। नेताजी जहां से चाहेंगे वहां से समाजवादी पार्टी लड़ाएगी। हम लोग बड़े लिबरल हैं। अच्छा, कुछ मामलों में वाकई सीधे हैं, क्योंकि आप ही लोगों ने सवाल किया कि डिंपल क्यों नहीं लड़ रही, तो मैंने कहा आपकी कहना मान लिया आज मैंने कि वो लड़ेंगी। अगर आप कहोगे कि परिवारवाद है तो नहीं लड़ेंगी। ये परेशानी हम पे छोड़ दो, ये परेशानी हम पे छोड़ दो, हम कोशिश करेंगे सबको संतुष्ट कर लेंगे। कम से कम एक सदस्य तो कम हो गया, जो गिनती आप गिनते थे कि प्रधानमंत्री के आपका नाम बहुत है, तो हम तो नहीं है उसमें, तो हम तो बहुत सारे लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, बसपा और सपा के गठबंधन से इस बार अभी आप जब हॉल में रहे होंगे तो तमाम नौजवान यहाँ नारे क्या लगा रहे थे आपको पता होना चाहिए, यही नारे जमीन पे लग रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, इनका लास्ट सवाल, इनको पेंशन मिलनी है बाद में, बताइए। नहीं, वो हमेशा एक हमारा राजनीतिक एक दूसरे पार्टी के प्रति व्यवहार है, तो परंपरा भी है हमारी समाजवादी पार्टी की, तो व्यवहार और परंपरा बराबर हम लोग मान रहे हैं। नहीं, वो 2.5 साल इनको हमारे पक्ष में लिखना पड़ेगा। देखिए, जो जो सवाल आपने पूछा, ये बड़ा सवाल पूछा है आपने। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकारों को हमेशा उलझा के रखा है। आप शिक्षा मित्र वाला फैसला देख लीजिए, आयुष्मान योजना का फैसला देख लीजिए आप। आयुष्मान योजना में कितनों को लाभ मिल जाएगा या कितनों का इलाज हुआ जा रहा है? फसल बीमा की पोल खुल गई और कई प्रदेश ऐसे हैं जो फसल बीमा को चाहते ही नहीं है आप। तो केंद्र ने बहुत सारी योजनाएं बनाई ऐसी जिसमें प्रदेश सरकारें और प्रदेश उलझा रहा। आने वाले समय में कुछ फैसले ऐसे हों, उस पर भी कई बार पॉलिटिकल पार्टीज में चर्चा हुई है, तमाम मुख्यमंत्री इस बात पे चर्चा करते हैं, कोई रास्ता ऐसा निकले जिसमें प्रदेश को कम से कम कुछ आज़ादी तो हो कुछ योजनाएं चलाने के लिए, नहीं तो कई योजनाएं थोप दी जाती हैं। अब बताइए, भारत में कांग्रेस बना रही थी एक गड्ढे का शौचालय, बीजेपी बना रही है दो गड्ढे का शौचालय। ना शौचालय में पानी कांग्रेस ने दिया ना बीजेपी ने दिया, तो बताइए शौचालय में पानी नहीं होगा तो शौचालय में जाएगा कौन? इसलिए समाजवादियों ने तय किया था कि लोहिया आवास होना चाहिए, कम से कम 3,05,000 मिल जाए गरीब को। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि लोहिया आवास की तरह ही योजना बने जिसमें गरीब को कम से कम 4,05,000 रुपए मिले, जिससे उसका पूरा पर्याप्त घर बन जाए और शौचालय भी बना ले। कैसी आधी अधूरी योजनाएं बनाते हैं ये केंद्र के लोग। इसे बहुत सारी चीजें हैं जिन पे बातचीत होगी समय समय पर, लेकिन आने वाले समय में जो नई सरकार बनेगी और नए प्रधानमंत्री जो बनेंगे, इन तमाम समस्याओं का समाधान कर देंगे।
उत्तर प्रदेश को 73 सांसद मिले थे बीजेपी को, अब तो कम हो गए, 300 से भी ज्यादा विधायक जीते, और उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने एक्सप्रेसवे के लिए पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं दिया, कोई नया एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। कम से कम गडकरी जी ने यह तो अच्छा किया कि उस विभाग के मंत्री होते रहने की वजह से उन्होंने मुंबई से लेकर के नागपुर एक एक्सप्रेसवे दे दिया। हमारे 70 से ज्यादा एमपी देखते रह गए कि उत्तर प्रदेश को कोई एक्सप्रेसवे नहीं मिला और वहां के उस विभाग के मंत्री ने अपने एक्सप्रेसवे बना लिया। अब बताइए क्या करे उत्तर प्रदेश। तो ये तो सब सवाल है उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, जब वोट डालने का मौका मिलेगा तो जवाब मिलेगा उसका। चलिए, आप सबका बहुत धन्यवाद, प्रेस के हमारे साथियों का, इसी तरह सहयोग आपका मिलता रहे और मुझे उम्मीद है चुनाव की तारीख आने के बाद और सहयोग ज्यादा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।